लीव डिजाइंस आर यूज ऑन टेक्सटाइल्स पोइट्री एंड वॉल ऑफ हाउसेस. और जो लीव्स के डिज़ाइन रहे थे, जैसे कि इसमें पिक्चर में डिज़ाइंस बना रखे हैं, ये हमारी लीव की डिज़ाइन है जो कि हम पॉटरी में जो बनाते हैं हैंड से और हाउसेस में यूज़ करते हैं. शेडिंग ऑफ लीव्स, शेडिंग मतलब लीव्स का झड़ना. मोस्ट प्लांट्स शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर, काफ़ी सारे प्लांट्स अपने पत्ते झाड़ देते हैं हर एक साल में, एक साल में एक बार ही. सम ट्रीज शेड लीव्स बिफोर विंटर एंड सम आफ्टर विंटर, कुछ जो ट्रीज होते हैं वो अपनी पत्तियाँ विंटर से पहले ही शेड कर देते हैं और कुछ विंटर के बाद शेड करते हैं. इन कोल्ड प्लेसेस वाटर फ्रीजेस इन विंटर, जहाँ पर ठंड होती है वहाँ पर विंटर में पानी जम जाता है, फ्रीज मतलब जम जाना. ट्रीज ग्रोइंग इन दीज प्लेसेस लूज देयर लीव्स इन ऑटम टू लेसन देयर नीड फॉर वाटर. ट्रीज जो इन ऐसे प्लेसेस में उगते हैं जहाँ पर पानी ठंडा हो जाता है, वो अपनी ऑटम में ही पत्तियाँ झाड़ देते हैं ताकि उन्हें पानी की ज़रूरत ना पड़े इतनी ज़्यादा. द फॉलन लीव्स कैन बी यूज टू मेक कम्पोस्ट, कम्पोस्ट मतलब खाद, अगर तुम खाद बना के अपनी प्लांट्स वगैरह में डालोगे तो उसकी फर्टिलिटी वो ढंग से उगते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है उनकी. तो जो हमारी फॉलन लीव्स जो गिर जाती हैं हम उनसे कम्पोस्ट बनाते हैं. इट इज़ वेरी यूजफुल एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब जो केमिकल्स वगैरह होते हैं जो हम प्लांट्स में डालते हैं, अगर तुम ये सारी लीव्स एक फर्टिलाइजर बना के भी डालोगे तो तब भी प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. इट रिस्टोर्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और ये फॉलन लीव्स में, फॉलन जो लीव्स होते हैं वो जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं, जो गंदी हो जाती है सॉइल, वो वापस ले आती है.